भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी कर्पात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में समायोजित सौकुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ की ये कलश यात्रा, इसके माध्यम से हम आपको जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको दृष्टि देना चाहते हैं। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में कुआ पूजा, ग्रामीण अंचलों में कुआ का पूजन, तालाब का पूजन, नदी का पूजन, शादी है तो कुआ पूजा जा रहा है या कलश यात्रा निकाली जा रही है, ये अपने आप में जल की महत्ता को, जल की उपादेयता को सिद्ध करता है। और पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बता के जाती थी, कुआ जिंदा रखो, तालाब जिंदे रखो, सुरक्षित रखो, पानी जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जल की जो उपासना है वो प्रतीक रूप में है, परंतु उद्देश्य है कि जल के स्रोत सुरक्षित रहें। हमारी कलश यात्रा भी जल की महत्ता को ही प्रतिपादित कर रही है। हम अपने सर पर जल को माने वरुण मानते हैं, जल के अधिष्ठात्री देवता को, तो वरुण की पूजा जल की सुरक्षा के लिए ही है। शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम, जो भी कुछ है वो जल से ही है, जल में ही है, वो जल के द्वारा ही है। तो हम इस यज्ञ के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज़ जाती हो आप सबके चैनलों के माध्यम से या जिस भी प्रकार से आवाज़ पहुंचती हो, हम चाहेंगे कि जो परमात्मा के द्वारा दी गई सुविधा है जल, उसका हम आवश्यकता के अनुरूप ही प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें। विद्युत का, जल का, ये ऊर्जा है, ये जीवन है, इसकी रक्षा करना चाहिए। तो वरुण की पूजा के माध्यम से हमारी परंपराओं ने हमको करोड़ों वर्षों से दिया है कि कुआ सुरक्षित रखो, तालाब सुरक्षित रखो। रामकथा, भागवत कथा आदि इन धार्मिक कार्यों में सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसका तात्पर्य निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान की सिद्धि और अनुष्ठान की शुद्धि के लिए वरुण भगवान की प्रार्थना करना है। वेद में वरुण भगवान की प्रार्थना की गई है, ये न पावक चक्षुषा भुरण्यं तंजना अनु त्वं वरुण पश्यसि, सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, ये न पावक चक्षुषा, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस स्वपर्ण स्वरूप को देखते हो, आप उसी अनुग्रह दृष्टि से हम सब भक्तगण, श्रोतागण, व्यवस्थापक भाई, यजमानों को भी देखें। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के सप्तम अध्याय के 26वें श्लोक में कालकूट विश्व भयभीत देवता भगवान शिव की स्तुति करते समय बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अग्निर्मुखंते खिल देवतात्मा चितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिमते खिल देवतात्मनो दिशश्च करणौ रसनम जलेसम, हे भोलेनाथ, ते मुखम अग्नि, आपका मुख तो अग्नि है, और रसनम जलेसम, जलस्य ईसा जलेसा तम जलेसम रसनम, और जल का स्वामी वरुण ही आपकी रसनेन्द्रिय है, यानी कि ये जितने भी जो कलश हैं उनमें वरुण भगवान विराजमान है। तो जिस प्रकार जल शीतल, कोमल और मधुर होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जिह्वा भी शीतलता, कोमलता और मधुरता से भरी हुई होनी चाहिए। कलश यात्रा के कलशों के जल का यही संकेत है कि अगर हम अपने यज्ञ को सफल करना चाहें, तो यदि हमारे यज्ञ में कोई गाली गलौज करता है, यजमान की, ब्राह्मण की कोई निंदा करता है, तो भी सहन करके यज्ञ की सफलता की तरफ चलना चाहिए। बस यही कलश यात्रा का तात्पर्य है। आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी,
में इतनी छोटी उम्र का आपको शास्त्रीय विधि से बिना संगीत के भागवत की कथा कहने वाले ऐसे सुयोग्य जन्मांतरीय प्रतिभा संपन्न कोई भी आपको व्यास लेके लेंगे, ये मेरा विश्वास।